एक बार फिर बढ़ती बाघों की मौतों के आंकड़ों ने देश को चिंता में डाल दिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की माने तो इस बार साल 2017 से अक्टूबर महीने तक 73 बाघों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में मृत पाए गए हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहां 14 बाघों की मौत हो गई है। बाघों की मौत के पीछे वृद्धावस्था, बीमारी, विद्युत करंट, आपसी संघर्ष, रेल रोड एक्सीडेंट और जहर देकर मारने के कारण शामिल है। वैसे इससे पहले पिछले साल 2016 में भारत में सबसे ज्यादा करीब 100 बाघों की मौत हुई थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश के आंकड़े सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से खराब हैं। रिपोर्ट की माने तो पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में 89 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसमें 11 शावक थे। इन सब के बीच भारतीय ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों का एक अनूठा विश्लेषण सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि मंगलयान प्रोजेक्ट से ज्यादा कीमती 2 बाघों की जान है। उन्होंने बताया कि 2 बाघों को बचाने व उसकी देखभाल से होने वाला लाभ करीब 520 करोड़ रुपए है, जबकि इसरो की मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजने की तैयारी की कुल लागत लगभग 450 करोड़ रुपए है। तो एक तरफ जहां बाघ को हमारे देश में राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बाघों की मौत के बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।